तो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं रोटी और रखी हुई चीज़ों से बिल्कुल टेस्टी सा नाश्ता, जो कि आपका ख़राब नहीं जाएगा। अगर ये रेसिपी हमारी देख लेंगे ना, तो आपकी रोटी और सब्ज़ी जो भी आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा है वो ख़राब नहीं जाएगा। तो ये देखिए, थ्रेड से एक तरीका बताएंगे हम आपको, तो उसमें लगभग दो तरीके बताएंगे, बहुत टेस्टी। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, ये देख लीजिए, हमने चार रोटियां ले ली हैं। ये हमारी ताज़ी रोटियां हैं, आप इसकी जगह पर रखी हुई भी रोटियां भी ले सकते हैं। और ये हमने आलू की भुजिया की सब्ज़ी ले रखी है, जो बच्चों के लिए हम अक्सर करके टिफ़िन में रखने के लिए बनाते हैं, बस वही सब्ज़ी है। तो अगर इसको हम रख देंगे ना, तो चार पाँच घंटे में इतनी भयंकर गर्मी की वजह से ख़राब हो जाएगी, तो आज इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक बाउल ले लिया है बेसन, और ये तीन स्पून ले लिया है हमने चावल का आटा। इसको मिक्स डाल देंगे, मिक्स कर देंगे, और इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं, हम इसमें ऐड करेंगे ये धनिया पाउडर, और अब ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, तीखा अपने स्वाद के अनुसार। और इसमें अब हम ऐड करेंगे हींग, क्योंकि बेसन का सामान बना रहे हैं तो उसमें हींग वगैरह ज़रूरी होता है। तो नमक टेस्ट के अनुसार, अमचूर पाउडर, ऑर्गेनो, और डाल दें अमचूर पाउडर। अगर आपके पास ना हो तो आप चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स कर देंगे, और अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते हुए हम इसका लिक्विडी घोल बना लेंगे। तो देखिए, गांठ फ्री घोल बनाएंगे, जिससे लंग्स ना रहें, लंग्स फ्री बैटर बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं, इस तरह का कंसिस्टेंसी का है, एक पतली सी कोटिंग हो रही है हमारी स्पून पर, बस इसी तरह से हमें बैटर चाहिए। तो इसको हम ढक करके रख देंगे 10 या 15 मिनट के लिए, जब तक हम अपना आगे का काम देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, हमने जो आलू की भुजिया की सब्ज़ी ले रखी थी वही ऐड करेंगे एक प्लेट में, और इसको हम हाथों की सहायता से तोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि ये रखी हुई सब्ज़ी है, तो हाथों की सहायता से या पोटैटो मैशर से आपको मैश कर लेना है। अगर थोड़े बहुत टुकड़े रह भी जाएंगे आलू के, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे मसाले, कुछ थोड़े से ही बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि ऑर्गेनो, चाट मसाला, और इसमें हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स अपनी। तो हमने कट करके रखा था बारीक प्याज, और बारीक कट करके रखा था टमाटर एक मीडियम साइज़ का, और एक मीडियम साइज़ का प्याज था। तो अब इसमें एक स्पून हम डाल देंगे लेमन, जो कि थोड़ा सा खट्टा चटपटा सा स्वाद आए। इसमें आप गाइस डाल सकते हैं थोड़ा सा, जैसे चिली फ्लेक्स वगैरह डाल सकते हैं, मगर हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखा नहीं बनाएंगे। आप अपने हिसाब से मसाले ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसी हिसाब से हम मिक्स करेंगे अच्छे से। तो ये काफ़ी टेस्टी और काफ़ी अच्छा बनेगा ना, कि आप कहेंगे कि चार रोटियां एक्स्ट्रा ही बनानी है, क्योंकि हमको ये नाश्ता बना के खाना है। तो इतना टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होता है। तो ये देखिए, रोटियां ले लेंगे अपनी, इस तरह से रोल बनाएंगे तो बहुत बड़ा सा रोल बनेगा, इसलिए हम इतना बड़ा रोल नहीं बनाएंगे। तो इसको बीच से हम कट करेंगे रोटियों को, इस तरह से नाइफ़ की सहायता से कट कर लेंगे। और अगर नाइफ़ से ना बने आपको, तो आप कैंची की भी हेल्प ले सकते हैं, कैंची की सहायता से भी रोटी को कट करके रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से कट कर लिया है हमने, और अब चलिए बनाते हैं इसका रोल। तो इसमें हम दो तरीके बताएंगे आपको, जो भी इजी लगे आप बना लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से बैटर थोड़ा सा लेंगे, जिससे कि रोल में अच्छे से हो जाए, बस और ज़्यादा कुछ नहीं। इस तरह से देखिए, ये देखिए, इस तरह से बैटर रखेंगे, और इसको घुमाते हुए, ट्विस्ट करते हुए, ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए कर लेंगे, और इसमें लगा देंगे टूथपिक। देखिए, ऊपर नीचे जो खाली रह जाए उसमें फिलिंग भर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा स्वाद भी तो आना चाहिए मसाले का, चटपटा सा। तो थोड़ा सा बनाएंगे, और इसमें देखिए ये टूथपिक ले लेंगे, और इस तरह से इंसर्ट कर देंगे, जहाँ पर जोड़ है वहीं पर। तो इतना इंसर्ट करेंगे कि ये देखिए थोड़ा सा बाहर आए, जिससे कि हमें निकालने में टूथपिक आसानी हो, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं करना है। तो इस तरह से ये टूथपिक से तो हमने बना के रख लिए, और अब हमें एक हम थ्रेड्स की सहायता से बताएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा थ्रेड है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, अगर आपके पास टाइम है तब तो आप ये बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने वही प्रोसेस किया, और इसको लपेट लिया है। देखिए, इसमें हमने चटनी वगैरह नहीं लगाई है, आप चाहें तो कोई चटनी भी अंदर लगा सकते हैं। पहले चटनी लगाइए, फिर फिलिंग रखिए। इस तरह से देखिए, थ्रेड हम लपेट देंगे इसमें, और इस तरह से लपेटेंगे, और उसको 5 से 10 मिनट फैन में रख दें, जैसे कि इसका थोड़ा सा रोटी जो है हमारी सूख जाएगी थोड़ी सी। तो ये जैसे हमने फोल्ड किया हुआ है, वो इस तरह से बन जाएगा, तो उसको इसीलिए हमने बना के रख दिया। तो आगे दिखाएंगे आपको, तो हमें यही सही लग रहा है टूथपिक वाला, तो हम टूथपिक वाला बना लेते हैं। देखिए, टूथपिक बन चुका है, टूथपिक वाला। तो अब ये देखिए, बैटर रख लेते हैं,
तो बैटर भी ठीक हो चुका है। तो आगे चलिए हम बनाते हैं। ये देखिए हमने पहले से ही कढ़ाई रख में ऑयल डालकर रख दिया था, तो इस तरह से हम इस बैटर में डिप करेंगे अपनी सारे जो देखिए सारे रोटी पोटैटो स्प्रिंग रोल को हम सारे डिप करेंगे इस तरह से। देख सकते हैं बहुत टेस्टी ये रोल लगते हैं और इनको बनाने में भी झंझट नहीं है और सारे इंग्रेडिएंट घर में रहते हैं, जैसे ओवन वगैरह है अगर नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसकी जगह पर हरी धनिया वगैरह डाल सकते हैं। और एक बात, इसमें जो आपकी इच्छा हो वही वेजिटेबल पनीर चीज़ स्लाइस वगैरह सब कुछ इसके अंदर भर सकते हैं, जो भी आपको टेस्टी लगता है खाने में। तो इसी तरह से हमने बेसिक से मसालों से बना करके तैयार कर दिया, इतना टेस्टी यम्मी नाश्ता। आप सच में बता रहे हैं कि अगर आप इस तरह के नाश्ता देखेंगे ना तो इतना टेस्टी लगेगा ना कि आप इसके लिए 4 रोटियां एक्स्ट्रा बनाएंगे आप, कि हमें यही नाश्ता बना करके खाना है, इतना टेस्टी लगता है। और आपकी बची हुई रोटियां भी फेंकेंगे नहीं, बना करके तैयार करेंगे। इससे देखिए बनकर तैयार है हमारा अच्छे से यम्मी टेस्टी पोटैटो रोल। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल सारे निकाल लेंगे और आप देखिए कितने यम्मी और कितने टेस्टी लग रहा है। अभी इनकी जो पूंछ वगैरह दिख रही है इनको हम तोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देख सकते हैं ये हमने दूसरे डाल दिए हैं इसमें। और ये देखिए ये जो थ्रेड वाला है इसको भी देखिए थ्रेड निकाल देंगे। तो अभी देखिए इसमें इसको हमें रखे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो इस वजह से क्या है ये रोटी जो है साइड से खुलने लगी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसको अच्छे से बेसन में डिप करेंगे बिल्कुल, और जिस साइड में ये ओपन हो रहा है उस साइड को नीचे रखेंगे जिससे कि वो दबाव की वजह से चिपक जाएगा इस तरह से। तो दबाव पड़ेगा कढ़ाई में नीचे नीचे की तरफ तो वो चिपक जाएगा इसलिए। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है देखने में, ये भी बहुत टेस्टी बन करके आया है। तो चलिए सर्व करते हैं। ये देख सकते हैं गाइस हमारे यम्मी टेस्टी पोटैटो रोल बन करके तैयार हैं, ये सर्व करेंगे। तो ये देख सकते हैं जो टूथपिक है इसको आसानी से हम ऐसे निकाल देंगे, देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट किया और निकाल दिया। तो ये देख सकते हैं, ये देखिए इसके आगे ना सारे नाश्ते फेल हैं। देखिए हमने हरी मिर्च के साथ सर्व किया है क्योंकि जिसको जो तीखा नहीं खाता जैसे बच्चे वगैरह हैं तो वो ऐसे खा सकते हैं, और जो तीखा खाता है वो हरी मिर्च के साथ खा सकता है। इसे कोई भी आप चटनी सॉसेस सेजवान चटनी उनके साथ खा सकते हैं। तो ये कितनी क्रिस्पी कितनी टेस्टी लग रहे हैं आप देख सकते हैं। तो अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।